हाँ जी, तो बच्चों के केस में क्या होता है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। प्री मेच्योर का मतलब है कि बच्चा जो है 9 महीने से पहले डिलीवर हो गया, 7 महीने में, 8वें महीने में डिलीवर करना पड़ गया। सो वो एक कॉन्सेप्ट हो गया प्री मेच्योर। उस केस में बच्चे के लंग्स जो है हो सकता है पूरी मेच्योर ना हुए हो, और बच्चे को आपको NICU में थोड़ा सपोर्ट पे रखना पड़े, थोड़ा दिन आपको ICU में रखना पड़े बच्चे को। और बच्चे का वजन जो होता है वो डिपेंड करता है कि मदर के थ्रू बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो अगर न्यूट्रिशन ज्यादा मिल रहा है, किसी कारणवश मान लीजिए मदर डायबिटिक है, तो बच्चा ओवरवेट हो सकता है, और मदर का शुगर कंट्रोल में नहीं है, बच्चा ओवरवेट हो सकता है, और मदर को ही डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलता खाना पीना, बच्चा अंडरवेट हो सकता है। सो बच्चा अंडरवेट भी हो सकता है, बच्चा ओवरवेट भी हो सकता है, बच्चे की नस ना मान लो वो जो गले में वो नबी हो तब भी वो अंडरवेट हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मल्टीपल चीजें एक साथ होती है। गायनेकोलॉजिस्ट से बात